हल्द्वानी में गोला नदी के बहाव की जद में आने वाले सैकड़ों परिवारों को प्रशासन ने वहां से हटने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि नदी के किनारे कई परिवारों ने स्थायी डेरा बना दिया है, जिसके बाद उनकी जान को खतरा है और बस्ती बनने से नदी में प्रदूषण भी खतरनाक तरीके से बढ़ गया है। इलाके के 400 परिवारों को वहां से हटने के लिए नोटिस जारी किया गया है, लेकिन लोगों की मजबूरी ये है कि अब वो जाएं तो कहां जाएं। प्रशासन लंबे समय से यहां बस्ती खाली कराने में नाकाम रहा है। लोगों को 15 दिन का समय दिया गया है। साथ ही प्रशासन ने अपने स्तर पर नदी को किनारों से बचाने के लिए बंदोबस्त शुरू किए हैं। जो गोला बैराज की जो नहर है, इसका एक पोर्शन ऐसा है जिसमें कोई प्रोटेक्शन वॉल नहीं है, और क्योंकि एक तरह से लाइफलाइन भी है हल्द्वानी की, अगर पानी पीने की बात करें तो ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। तो इसमें एक तो एम्बैंकमेंट बनना है, प्रोटेक्शन वॉल बननी है। इसके अलावा यहाँ पे एक बस्ती भी है जिसमें कि गोला का जो पानी है बस्ती से बहुत सट के बह रहा है, जो पहले दूर बहा करता था। तो इसमें डाइवर्जन का कुछ काम होना है, जेसीबी लगा के या अन्य किसी तरीके से उसका भी निरीक्षण किया गया। इसमें कुछ धनराशि की मांग इरीगेशन डिपार्टमेंट ने हमसे की है, उसका इंतजाम किया जाएगा।